गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्लास 10 साइंस, इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा, हमने डिस्कस किया था, हमने चर्चा की थी हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे आज सामने आए, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो इस फॉर्म में कैसे आया, किन किन स्टेजेस से होकर गुजरा और आज हमारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो हमारी काफ़ी हेल्प करता है। हम लोग अब जरा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इस पार्ट में देखेंगे स्ट्रक्चर। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस ढंग का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे इंग्लिश आप पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको एक डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है, और कहा जाता है कि जितना वोकैबुलरी, जितना वर्ड मीनिंग आपको आता है इंग्लिश, उतनी अच्छी आपकी होती है। ठीक उसी तरह से आप पीरियोडिक टेबल पर जितना अधिक मंथन करेंगे, जितना अधिक पीरियोडिक टेबल पर प्रैक्टिस करेंगे, आपकी केमिस्ट्री उतनी अच्छी होगी। तो हम लोग आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, ये एक टेबल कैसा है। लेट्स स्टार्ट। आप एक दो काम कर लें पढ़ाई को आगे बढ़ाने के पहले। पहले तो आप अपने सामने एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वो ज़रूर रख लें, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। और दूसरा, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और एटॉमिक नंबर जब आपको पता चल जाता है तो एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी मे से फॉर एन एटम, फॉर एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका बना लीजिए। जैसे अगर 10 है तो 2 8, 6 है तो 2 4, 11 है 2 8 1, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बना लीजिए। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 20 तक वाले एलिमेंट्स का आप एक पेज में, एक सीध में उनका एटॉमिक नंबर और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये लिख कर तैयार कीजिए। उसके बाद आप इस पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, तब आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और ज़्यादा आपको समझ में आएगी। जैसे आप स्टार्ट कीजिए हाइड्रोजन से, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, लिथियम 3 2 1, बेरिलियम 4 2 2, बोरन 5 2 3, कार्बन 6 2 6 2 4, नाइट्रोजन 7 2 5, ऑक्सीजन 8 2 6, फ्लोरीन 9 2 7, एंड नियन 10 2 8। फिर हम लोग आ जाएंगे सोडियम 2 8 1, फिर मैग्नीशियम 2 8 2, एल्यूमिनियम 2 8 3, फिर इसी तरह बढ़ेंगे आगे हम लोग, सिलिकन 2 8 4, फॉस्फोरस 2 8 5, सल्फर 2 8 6, क्लोरीन 2 8 7, आर्गन 2 8 8, फिर पोटाशियम 2 8 8 1, कैल्शियम 2 8 8 2। इतना आपको करके बैठना है पढ़ने के लिए और तब मजा आएगा मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को समझने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें दो कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को पीरियड्स कहते हैं। तो आप काउंट करके चेक कीजिए, वी हैव 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 18 वर्टिकल रोज हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। बारी बारी से हम लोग ग्रुप और पीरियड दोनों पर डिस्कस करेंगे। तो हम पहले ग्रुप से स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल 18 ग्रुप है, 18 वर्टिकल रोज है। पहला ग्रुप आप देख लीजिए, पहला ग्रुप आपका हाइड्रोजन को हटा दीजिए, हाइड्रोजन के लिए तो एक सेपरेट जगह तय कर दिया गया है। उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये पहला ग्रुप है, इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, काफ़ी रिएक्टिव होता है, भी हम लोग देखेंगे तीसरे पार्ट में। ये सारे एलिमेंट्स
इसको अल्कली मेटल ग्रुप कहते हैं। इसको अल्कली मेटल ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी में घुलकर इनके ऑक्साइड्स जो होते हैं, ऐसे भी आप जानते हैं मेटलिक ऑक्साइड्स आर, नहीं जानते हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आप पढ़ेंगे, मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड इफ दे आर सॉल्युबल इन वाटर दे फॉर्म अल्कली। तो इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं लिथियम सोडियम पोटासियम और भी, तो ये सारे इनके ऑक्साइड्स पानी में घुल करके अल्कली बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, इसलिए इसको अल्कली मेटल ग्रुप भी कहते हैं। दूसरे ग्रुप पर आप आ जाइए, दूसरे ग्रुप में आप देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं और ये भी रिएक्टिव माने जाते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये, और इनको अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप भी कहा जाता है। आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। अब तीसरा ग्रुप, तीसरा से बारहवां अभी हम नहीं जिक्र करेंगे उसका, तीसरा से बारहवां को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं बाद में बताएंगे। तेरहवां पर आप आ जाइए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बोरन के बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ग्रुप भी आप इसे कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एलिमेंट एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बाद गैलियम फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, बाद में उसका इन्वेंशन हुआ है। नेक्स्ट चौदहवां कार्बन ग्रुप, कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है इसका, कार्बन एंड सिलिकन, इस दो को तो याद रखना ही चाहिए आपको। एक से बीस तक वाले का जिक्र करेंगे फिलहाल। नेक्स्ट पंद्रहवां नाइट्रोजन ग्रुप, सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन है इसमें, नाइट्रोजन फॉस्फोरस। नेक्स्ट सोलहवां ग्रुप ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन सल्फर। नेक्स्ट सत्रहवां ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन, हैलोजन्स हैं ये, रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। और फिर अठारहवां ग्रुप जिसमें आपका हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सारे इनर्ट गैसेस। तो ये एक हल्का परिचय, लेकिन हमने ग्रुप नंबर 3 से 12 तक वाले को छोड़ा क्यों? दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप्स। ट्रांजिशन एलिमेंट को समझते हैं हम लोग। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ा होगा और आप उसे एक बार रिकॉल कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि ये जो सेल्स होते हैं, ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट के अंदर कुछ सब सेल्स भी होते हैं, कुछ सब सेल्स होते हैं। जैसे एक मकान है, मकान के अंदर कुछ कमरे होते हैं, उसी तरह से जैसे आपने देखा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 यानी चार ऑर्बिट्स इसमें हैं, हर ऑर्बिट के अंदर भी कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, इन्हें एस पी डी एफ के नाम से हम लोग जानते हैं इन ऑर्बिटल्स को। और एज पर रूल एस ऑर्बिटल भर जाएगा तब पी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, पी ऑर्बिटल भर जाएगा तो डी में जाएगा, डी भर जाएगा तो एफ में जाएगा, एक कमरा भर जाएगा तो दूसरे में जाएगा इलेक्ट्रॉन। सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, सबकी कैपेसिटी एक जैसा नहीं है। एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, पी में 6 कर सकते हैं, डी में 10 कर सकते हैं, एफ में 14 कर सकते हैं। अब जैसे देखिए आपके पास चार सेक्शन है ए बी सी डी, एस पर रूल आप क्या करेंगे, एडमिशन ले रहे हैं बच्चे का, ए सेक्शन फुल हो गया तो बी स्टार्ट किया, बी कंप्लीट हो गया उसमें 40 स्टूडेंट्स हो गए तो सी स्टार्ट किया फिर डी। लेकिन एक एडमिशन का ट्रेंड ऐसा भी है, ए कंप्लीट हुआ, बी में अभी 22-25 बच्चे ही हुए हैं, सी में भी भरना शुरू कर दिया, मालूम नहीं क्यों सी में भी भरना शुरू कर दिया। अब बी में भी जा रहे हैं बच्चे, नए वाले बच्चे, और सी में भी जा रहे हैं। बी जैसे तैसे करके अभी पूरा हुआ है, सी में तो अभी 10-12-15 ही हैं, तब तक डी में भी भरना शुरू कर दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स ही होते हैं जिनके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले ऑर्बिटल्स को के बिना भरे हुए, पहले वाले सब सेल के बिना भरे हुए दूसरे वाले सेल में एकोमोडेट होने लगते हैं। ऐसे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ऐसे
एलिमेंट्स का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सामान्य रूल जो है, सिंपल रूल जिसे आप बनाते हैं भी, जैसे 2n² फार्मूला से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल एलिमेंट्स का बनाए हुए हैं, वो उससे नहीं बनेगा। उसके लिए आपको अफवाह का नियम जानना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल नहीं है, आप उस हिसाब से फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इसलिए अभी आपके सिलेबस में ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ना नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपको इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ग्रुप हो गए 18, फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इतने ग्रुप से हमको अभी वास्ता रखना है, क्योंकि हमने जिन कॉमन 20 एलिमेंट्स का डेटा तैयार कर रखा है वो इसी में से आते हैं, 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये तो ग्रुप की बात हो गई। 7 पीरियड्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। बारी बारी से देखेंगे क्या सभी एक जैसे हैं। फर्स्ट पीरियड देखिए, देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड, ओनली 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो कह सकते हैं सबसे छोटा पीरियड है ये, द स्मॉलेस्ट पीरियड। नेक्स्ट वाले में देखेंगे, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड वाले में भी 8 हैं, सेकेंड और थर्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, दोनों में 8-8 एलिमेंट्स हैं, इसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। लंबा तो ये भी नहीं है, शॉर्ट पीरियड है ये। अब आ जाइए चौथा और पांचवा पीरियड, इसमें काउंट कीजिए, टोटल 18 एलिमेंट्स हैं इसमें, चौथा में भी और पांचवा में भी, इन दोनों को हम लोग लॉन्ग पीरियड कहते हैं। छठा और सातवा लॉन्गेस्ट पीरियड है, इतना लंबा है कि इसे समेट के नीचे रखना पड़ा है। आप देखेंगे हमारे पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सेपरेट सीरीज हैं। ये जो 2 सीरीज हैं वो एक्चुअली क्या हैं, ऊपर आप देखे होंगे लेंथनाइट सीरीज, वो छठा पीरियड का एक पार्ट है। जब कोई चीज ज्यादा लंबी हो जाए तो हम उसे समेट के रखते हैं। हनुमान जी का पूछ अगर बहुत लंबा हो जाए तो समेट के बैठेंगे उसे। हमारी आंत जो है 20 फीट लंबी है, इतने ही जगह में हम उसे समेट कर रखते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो 18 बॉक्स का है, 32 बॉक्स का 2 घर केवल रहे तो बड़ा अटपटा सा लगेगा हमारा पीरियोडिक टेबल। तो बड़ी होशियारी के साथ क्या किया गया, उसका एक एक्सटेंशन बना दिया, वो भी साइड से नहीं काटा है। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी को भी ध्यान में रखना है, और उस आधार पर छठा और सातवां पीरियड के से कुछ एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट को एक एक्सटेंशन के रूप में नीचे एक सीरीज के रूप में रख दिया गया। जैसे छठा का देखेंगे लेंथनाइट से शुरू होता है, इसलिए इसको लेंथनाइट सीरीज कहते हैं, एक एक्टिनियम से शुरू होता है उसको एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं, सातवां का एक्सटेंशन। ये दोनों छठा और सातवां के पार्ट हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स ज़्यादा है इसलिए इसे अलग रख दिया गया साइड करके। तो कुल मिलाकर के 7 पीरियड्स हैं, पहला सबसे छोटा पीरियड है, दूसरा तीसरा भी छोटा ही है, चौथा पांचवा लंबा पीरियड है, छठा सातवां तो बहुत लंबा है, सबसे लंबा पीरियड है। कुल टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स 7 हो गए। अब एक दो इंटरेस्टिंग बात, ये तो स्ट्रक्चर हो गया, ग्रुप और पीरियड्स हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं। एक चीज जरूर याद रखना है, आप 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक वाले सारे एलिमेंट्स की जानकारी आप रख रहे हैं, और उन सारे एलिमेंट्स का ग्रुप और पीरियड आपको जानना चाहिए। तो क्या किया जाए, याद कर लिया जाए, पढ़ते पढ़ते याद होगा, लेकिन उसका एक फंडा भी है, कोई भी एलिमेंट किस ग्रुप और किस पीरियड में होगा ये हमको जानना है। ठीक है, ये जानना कितना आसान है, इसको ऐसे समझते हैं। लेकिन उसके ठीक पहले एक दो और इंटरेस्टिंग बात हम लोग जान लेते हैं। आप फर्स्ट ग्रुप में आ जाइए, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट मेंबर लिथियम, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखे हैं 2-1, सेकेंड मेंबर सोडियम 2-8-1, थर्ड पोटासियम 2-8-8-1, क्या सिमिलरिटी आपने देखा,
all the members of this group have valence electron one. Valence electron कहते हैं सबसे last orbit वाले electron को valence electron कहते हैं, and all have one valence electron. Lithium, sodium, potassium सब का valence electron एक 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 है. दूसरे group में आइए, दूसरे group में beryllium 22, magnesium 282, calcium 2882, all have valence electron, all have valence electrons 2. Number of valence electron in all the members is 2. Interesting है. अब आ जाइए 13वां, boron 23, aluminium 283. इसका मतलब एक कंक्लूजन तो निकल ही रहा है कि किसी एक ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे हैव सेम नंबर, सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. पहला में लिथियम सोडियम पोटासियम ग्रुप वन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन, ग्रुप टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू, ग्रुप 13 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्री. और आगे बढ़िए, ये तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है. 14वां ग्रुप में आइए, कार्बन 24, सिलिकन 284, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, ग्रुप नंबर 14वां. 15वां 25 नाइट्रोजन, 285 फास्फोरस, यानी कि 15वां ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका 5 है. 16वां आते हैं ऑक्सीजन 26, सल्फर 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ग्रुप नंबर 16. अब आ जाते हैं हेलोजन 17वां ग्रुप, फ्लोरीन 27, क्लोरीन 287, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ग्रुप नंबर 17. अब आ जाइए हीलियम, हीलियम एक्सेप्शनली उसको रख दीजिए, वहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, उसका ड्यूएट है, उसका ऑक्टेट नहीं है. अब आ जाते हैं नियन 28, आर्गन 288, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ग्रुप नंबर 18. तो ये एक फॉर्मूला बन गया. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो पहला ग्रुप में जाएगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो दूसरा में जाएगा, 3 है तो 13वां में जाएगा, 3 से 12 तक को तो छोड़ ही दिया, तो 3 है तो 13वां में, 4 है तो 14वां, 5 है तो 15वां, 6 है तो 16वां, 7 है तो 17वां, 8 है तो 18वां ग्रुप में जाएगा. तो बड़ा ईजी है, बिल्कुल आसान है. तो कंक्लूजन 2 निकला, पहला ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा कंक्लूजन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड द नंबर ऑफ ग्रुप दैट एलिमेंट इज कंटेंट इन. बहुत आसान है. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आप बना के देख सकते हैं 287. पूछा जाएगा बताइए द एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 17, इन विच ग्रुप विल इट बी प्लेस्ड, कहां रखा जाए इसको. 287 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 17वां में रखा जाएगा. अच्छा, ग्रुप तो हमने बता दिया, किस पीरियड में रखा जाएगा, उसका तो फंडा और भी आसान है. आप देखिए कितने ऑर्बिट्स हैं, 287, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकेंड ऑर्बिट 8, थर्ड ऑर्बिट 7, यानी कि 3 ऑर्बिट्स हैं इस एलिमेंट एक्स में, 3 ऑर्बिट्स हैं, 287, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पीरियड में आएगा. आप गौर करके देख लीजिए, 17 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट 17वां ग्रुप में और तीसरा पीरियड में है कि नहीं, और वो एलिमेंट क्या है, ऑब्वियसली क्लोरीन. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग जरा देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है, फिर से और क्लियर हो जाएगा. एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 11, व्हाट वुड बी इट्स ग्रुप एंड पीरियड. 11 है तो 281,
वन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वन इलेक्ट्रॉन है, तो पहला ग्रुप में जाएगा। पीरियड क्या होगा, 281, तीन ऑर्बिट है तो तीसरा पीरियड में जाएगा। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, व्हाट इज इट्स ग्रुप एंड व्हाट इज पीरियड, 2882, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो ग्रुप नंबर 2 में जाएगा। ऑर्बिट्स कितने हैं, 2882, चार ऑर्बिट है, चौथा पीरियड में जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार का जो भी आपको एक्सरसाइज दिया जाएगा आप इसे खूब आसानी से बना सकते हैं, बड़ा ही इजी होता है और अक्सर सवाल पूछा ही जाता है इन चीज़ों से। तो आपने पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आपने देख लिया, अब इसे आप बुक में पढ़ लेंगे तो आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एक चीज़ और कंक्लूड कर ही लेते हैं, आप पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वन देन द वैलेंसी इज ऑल्सो वन, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज टू देन द वैलेंसी इज ऑल्सो टू, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज थ्री देन द वैलेंसी इज ऑल्सो थ्री, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फोर देन द वैलेंसी इज ऑल्सो फोर, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फाइव देन द वैलेंसी इज एट माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सिक्स देन द वैलेंसी विल बी एट माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेवन देन द वैलेंसी विल बी एट माइनस सेवन इज इक्वल टू वन, एंड इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज एट नॉट गैसेस इट्स वैलेंसी विल बी एट माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दे आर नॉन रिएक्टिव, दे डोंट रिएक्ट। तो वैलेंसी हम निकाल लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता रहेगा तो वैलेंसी निकाल लेंगे। एक दो तीन चार तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी सेम रह जाएगी, वन टू थ्री फोर रिस्पेक्टिवली। पांच छह सात आठ है तो वैलेंसी तीन दो एक जीरो हो जाएगा। अब चूंकि एक ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी तो सेम ही होगी, किसी खास ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए हम कह सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव द सिमिलर वैलेंसी। पहला ग्रुप में जो आएगा सबकी वैलेंसी एक होगी, दूसरा ग्रुप में जितना भी आएगा सबकी वैलेंसी दो होगी, तेरहवां ग्रुप में जितना आएगा सबकी वैलेंसी तीन होगी, चौदहवां ग्रुप में जितना भी आएगा सबकी वैलेंसी चार होगी, पंद्रहवां ग्रुप में जो भी है एलिमेंट सबकी वैलेंसी तीन होगी, सोलहवां में दो होगी, सत्रहवां में एक होगी और अठारहवां में जीरो होगी। लेकिन किसी एक पीरियड में अगर वैलेंसी देखा जाए, जैसे आप तीसरा पीरियड ले लीजिए, सबसे कॉमन पीरियड माना जाता है, या दूसरा ले लीजिए, दूसरा भी कॉमन है, तो आप स्टार्ट कीजिए लिथियम वैलेंसी वन, बेरिलियम वैलेंसी टू, फिर बोरन वैलेंसी थ्री, कार्बन वैलेंसी फोर, नाइट्रोजन वैलेंसी थ्री, ऑक्सीजन वैलेंसी टू, फ्लोरीन वैलेंसी वन और नियन वैलेंसी जीरो। तो क्या ट्रेंड लग रहा है, हालांकि इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन हमने जस्ट इसे स्टार्ट कर दिया। क्या ट्रेंड लग रहा है कि वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम वन टू फोर एंड देन डिक्रीजेज फ्रॉम थ्री टू जीरो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। आप जितना, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप मैप में जितना अधिक अपना समय देते हैं आपको उतना अधिक आपकी जानकारी बढ़ती है और आपको सहूलियत होती है पढ़ने में। ठीक उसी तरह से आप केमिस्ट्री में भी पीरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जस्ट इंग्लिश का एक डिक्शनरी और ज्योग्राफी का ये समझिए मैप वर्क। तो ये दूसरा पार्ट था, और थर्ड पीरियड में हम लोग इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर इंटरेस्टिंग चर्चा करेंगे। तब तक आप फर्स्ट और सेकेंड पार्ट से रिलेटेड जो भी बातें हैं आप टेक्स्ट बुक में पढ़िए, प्राइवेट बुक्स में पढ़ सकते हैं। अगर हालांकि मेरी ओर से मैं कोई प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ कोई बुक, और फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत हो ऑनलाइन क्लास में आप उसे डिस्कस करेंगे। और फिलहाल इतना करने के बाद आप तीसरे पार्ट का वेट कीजिए, और ये चैप्टर तीसरे पार्ट के बाद समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।